दोस्तों एक बहुत अजीब और बहुत अश्लील वीडियो हमारे सामने अभी निकल करके आया है। अब आप सोचेंगे कि मैं अश्लील बोल भी रहा हूं और मैं ये भी बता रहा हूं कि वीडियो निकल करके आया है, तो हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा भी। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा भी, पर मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आपको खुद उस वीडियो को देख करके समझना है कि आखिर उसके अंदर अश्लील क्या है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो कैसे क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना करके लोग वायरल कर रहे हैं, जो पास्टर पादरी होते हैं उनके नाम को बदनाम करने के लिए ऐसी वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। आप देखेंगे तो दोस्तों सचमुच में हैरान हो जाएंगे कि इन सब बातों से तो एक पास्टर बहुत दूर रहता है और बहुत परहेज रखता है, और खुद ही नहीं दूसरों को भी सलाह दी जाती है, वचन से बताया जाता है कि ऐसी बातों से दूर रहें। लेकिन उन्हीं पादरियों को बदनाम करने के लिए ये वीडियो वायरल की जा रही है। पहले दोस्तों आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 29 मार्च गुड फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक दिल्ली में एक चंगाई सभा रखी गई है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल उस चंगाई सभा को लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं। आपकी कैसी भी बीमारी, कैसी भी परेशानी हो, चाहे आपके पास संतान ना हो, चाहे आप किसी भी समस्या में हो, आप आ सकते हैं 29 मार्च के दिन। मैं आपको बता दूं गुड फ्राइडे भी है उस दिन, तो आप जरूर आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। अम्बेडकर भवन झंडे वाला में ये मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस दिख रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों पूरा वीडियो देख लिया, इसके अंदर आपको कुछ अटपटा लगा, बिल्कुल लगा होगा। आपने देखा किस तरीके से जो ये महिला है, लाल ड्रेस में जो महिला खड़ी है, और अपने सामने जो खड़ी ब्लैक ड्रेस में जो महिला है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकत करती है, उसको बिना छुए उत्तेजित करती है। और वीडियो को देखने से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये महिला उसको बिना छुए उत्तेजित कर करके दिखा रही है वीडियो के अंदर, और वो दिखा रही है कि किस तरीके से मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं बिना छुए किसी भी महिला को उत्तेजित कर सकती हूँ, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसका मसीह लोगों से क्या वास्ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या वास्ता है। ये अकाउंट आप देख रहे हैं दोस्तों, जिसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फैंस के नाम से ये पेज है फेसबुक पर। और इसके ऊपर जो लिखा गया है इस वीडियो के ऊपर, आप ये पढ़ सकते हैं, यह वीडियो पोस्ट तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईसाई पादरियों और मिशनरियों की पोल खोलने के लिए यह वीडियो पोस्ट किया। यह महिला जो एक ईसाई मिशनरी है, उसका दावा है कि उसके अंदर यीशु मसीह की कृपा है और वह किसी को भी सेक्स का अनुभव दे सकती है। क्या यही सब ढोंग करने को रह गया है? तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इस बात को बोल रहा था कि ये वीडियो मसीह लोगों को, पादरियों को, क्रिश्चियन पास्टर जो होते हैं उन लोगों को बदनाम करने के लिए पोस्ट की गई है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मसीह लोगों से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। ये महिला जो भी कर रही है, इसके पास डेमोनिक पावर्स हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मसीह पास्टर ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते, बल्कि वो ऐसे कामों से बचने के लिए बोलते हैं। वचन के द्वारा बताया जाता है कि आप लोग व्यभिचार ना करें, आप तरह तरह के गलत कामों से बचें, आप किसी को गलत नजर से भी ना देखें, क्योंकि वो भी हमारे लिए पाप है। तो जब सब पास्टर इन सब बातों को समझाते हैं और मना करते हैं, तो वो खुद ये काम क्यों करेंगे? और जो दावा इन वीडियो में किया जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जब आप फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे जो इस वीडियो के ऊपर लिखा गया है, इसके अंदर लिखा है कि यीशु मसीह की कृपा है इस औरत के अंदर, ये भी एकदम झूठ है और एकदम झूठ दिखाई भी देता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता।
और जिसके अंदर यीशु मसीह की कृपा होती है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो ये काम करता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रोपोगंडा की तरह इस वीडियो को फैलाया जा रहा है, जो मसीह लोगों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा को फैलाए ये वीडियो, इसीलिए इनको वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के ऊपर आपको अगर मैं व्यूज दिखाऊं तो 2.7 मिलियन व्यूज जब तक मैंने इस वीडियो को देखा हो चुके हैं, मतलब करीब 27 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। और ये सिर्फ एक ही पेज पर अपलोड नहीं की गई है, और भी पेजेस हैं उन पर भी ऐसे ही मिलियनों में व्यूज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने इस वीडियो की सच्चाई को भी जानना चाहा और मैंने पूरा खंगाल करके देखा, लेकिन मुझे ये वीडियो नहीं मिली कहीं पर भी। जहां जहां पर अपलोड थी वहां पर अच्छे से इसके बारे में बताया नहीं गया था कि कहां की ये वीडियो है। अगर आप जानते हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दें।